अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद तैयब। मैं दी रियल इस्टेट की तरफ से आपके लिए लेकर आया हूं कि बेहतरीन सोसाइटी में 10 मरले का डबल स्टोरी ब्रांड न्यू हाउस स्पेनिश डिज़ाइन में। ये आप देख सकते हैं सोसाइटी का बाहर का व्यू आपको मैं दिखा रहा हूं। ये DHA Phase 4 के बिल्कुल सामने रिंग रोड के बिल्कुल साथ फॉर्मर नाइट सोसाइटी है, जो इसमें आपको 10 मरले का डबल स्टोरी ब्रांड न्यू हाउस देखने को मिल रहा है। ये हाउस फॉर सेल है। आए इसका फ्रंट एलिवेशन मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद इसकी मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। नाजरीन, ये 10 मरले का डबल स्टोरी ब्रांड न्यू हाउस LDC अप्रूव शुदा रजिस्ट्रो इंतकाल वगैरह आपको देखने को मिल रहा है बेहतरीन सोसाइटी की लोकेशन के ऊपर। ये देखें कितना खूबसूरत लिहाज से यह आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रोकवाल से तैयार शुदा इसका फ्रंट एलिवेशन है। स्पेनिश डिज़ाइन का घर है, उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से ये बनाया गया है, ठीक है। फॉर्मलाइज सोसाइटी में आपको दिखाया जा रहा है। चलिए अब एंटर करते हैं इस घर के बीच में, इसकी मज़ीद मालूम आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे आप एंटर करेंगे इस कारपोश एरिया में, बेहतरीन खूबसूरत डिज़ाइन का चारों तरफ से आपको व्यू देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपकी 3 जो सीलिंग है, इसको ट्रिपल सीलिंग लाइट कह सकते हैं इसको, ठीक है, डबल रूफ लाइट सीलिंग। इसमें बेहतरीन डिज़ाइन की वॉलपेपर्स वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है, वॉल वगैरह पे, ठीक है। वॉल पे आप देख सकते हैं रॉक वॉल किया गया है बेहतरीन डिज़ाइन में, ठीक है, और क्लासिकल क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया गया है। सबसे पहले तो आप देखें दीवार पे स्टोन्स की ग्राफी की गई है, इसकी पिक्चर ग्राफी की गई है, ताकि आपको इसका खूबसूरत व्यू और नज़ारे देखने को मिले। इसके राइट साइड पे और बैक साइड पे 3.5 फुट की गली दी गई है, जो कि वेंटिलेट करती है पूरे घर को, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका जो मेन डोर है वुड का यूज बनाया गया है, और इसमें क्वालिटी वुड जो है ना यूज़ की गई है। फर्स्ट स्टेप आपका मार्बल का होगा, जो कि आपने देखा है। उसके बाद जैसे एंटर करेंगे इसके घर के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि आपके लेफ़्ट साइड पे एक डोर है जिसमें मिरर यूज़ की गई है, ठीक है। इसके अंदर एंटर करने के बाद ये आपका बेसिकली लिविंग एरिया है, जिसमें खूबसूरत लिहाज से दीवारों पे वॉलपेपर्स वगैरह, छत पे सीलिंग और झूमर, और बाहर जो है ना विंडो दी गई है, जो कि बाहर आपके गैराज में ओपन होती है। यह आप देख सकते हैं कि इतना क्लासिक और यूनिक डिज़ाइन के लिहाज से ये लिविंग रूम आपका बनाया गया है। इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं, इंडोर यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको बेहतरीन मुनासिब यूज़ करना चाहिए। रजिस्ट्री इंतकाल वाला घर का लिविंग रूम आप दिखा रहे हैं, देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में, जो कि आपको देखने को मिल रहा है बेहतरीन क्लासिक लोकेशन के ऊपर। नाज़रीन, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, और मज़ीद मालूम के लिए हमारे नंबर पर रब्ता करें, जो कि एंड पे और वीडियो के अंदर आपको मसाला दिए जाएंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं बेहतरीन प्यारे से फनूस झूमर वगैरह घर के अंदर। अभी मैंने पूरे अपने वीडियो देखने हैं, ताकि इस घर की मज़ीद डिटेल आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। तो नाज़रीन चलते हैं इसके बाकी हिस्से की तरफ। जैसे आप इस एरिए से बाहर निकलेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा आपके राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे इसका टीवी लाउंज। इस टीवी लाउंज की खासियत यह है कि चारों तरफ से वेंटिलेट कर रहे हैं, ठीक है, और ओपन एरिया है ये। चारों तरफ इसके जो दीवारें हैं उस पर वॉलपेपर्स का और वुड का काम किया गया है, जिससे इसकी जो व्यू है 360 व्यू देखने को मिल रहा है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है आपको, ठीक है। हमारे चैनल की पहचान है, जो हम चीज़ दिखाते हैं वो ओरिजिनली एग्जिस्ट रखती है, और हम उसकी गारंटी लेते हैं कि वाकई ये लॉयल है, और इसके में वाकई काम बेहतरीन तरीके से किया गया है। ये आप दीवारों पे देख सकते हैं वॉलपेपर्स का काम इतना यूनिक मुनासिब और तरीके से किया गया है कि आप को देखने से पता लग रहा होगा कि वाकई ये किसनी मेहनत से घर तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं इसके जो डोर पे हैं, चारों तरफ जो डोर हैं, ठीक है, किचन का, और इसको उसमें मिरर भी यूज़ किया गया है, जिसमें भी ग्राफिक हुई भी है। ये जो झूमर आप देख रहे हैं ये बेसिकली टीवी लाउंज का है, ठीक है। आपने टीवी लाउंज की जगह भी देखी है, जिसमें स्पेस वगैरह दी गई है। चलाए किचन में चलते हैं। किचन में एंटर होने के बाद देख, ये अगर किचन ना होता तो ये बेसिकली रूम होता, लेकिन लेडीज़ के माइंड सेट के लिहाज से एक ओपन और एक लार्ज किचन बनाया गया है। इसमें फुली कैबिनेट्स हैं, आप इसमें और भी अगर इंस्टॉल करवाना चाहे कैबिनेट्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो करवा सकते हैं आप। इसकी वुड का डिज़ाइन, इसका कलर, इसके हैंडल्स आप देख सकते हैं नहायत खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट टच के लिहाज से हैं, ठीक है। इसके कैबिनेट्स वगैरह आप वन फिंगर से भी इसको कर सकते हैं। ये इसकी बेसिकली सिंक है, शेल्फ है, ठीक है, मार्बल की देख सकते हैं, ब्लैक में मार्बल की शेल्फ का ये इलेक्ट्रिक हुड, और इसमें इलेक्ट्रिक चूल्हे इंस्टॉल किए गए, जो कि हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं आपको बेसिकली इस घर के बीच में इंस्टॉल डिमांड के मुताबिक। हम आपको बेसिकली नेसेसरी चीज़ें भी इसमें इंस्टॉल करके देंगे, अगर कोई सीरियस कस्टमर हमसे रब्ता करता है। बेसिकली आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक हुड क्वालिटी चीज़ मेयार हमारी पहचान है, जो कि हमने आपको प्रोवाइड करनी है दी रियल इस्टेट के चैनल से। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक हुड की सॉफ्ट चीज़ें आपने अनरैपिंग करनी है, आपके आके आपने खुद करनी है। हमारा काम है आपको बताना, आपको दिखाना, आपको इसकी क्वालिटी बताना, इसके एडवांटेजेस बताना, वो मैं इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। आप देख सकते हैं कितना स्लिम एंड स्मार्ट इसका हैंडल था,
आपने वन फिंगर से भी कर सकते हैं, या इसका जो है ना बेसन है सिंक है, या इसमें डबल जो है यूज़ कर सकते हैं। आपको क्लासिक यूनिक चीज़ें, मास्टर्स के नल्स वगैरह, हर एक चीज़ क्वालिटी मटेरियल के मुताबिक गारंटी वाली, और जिसका सालों तक जिन्होंने चला है वो चीज़ें इंस्टॉल की गई है सिर्फ आपके लिए, कस्टमर की डिमांड के ऊपर। हम आपके लिए घर लेके आए एक बेहतरीन सोसाइटी के ऊपर, इस घर के पास IVY रूट्स, बीकन हाउस, कर्सी यूनिवर्सिटी और रिंग रोड, DHA फेज 4, मेन बॉलीवुड फेज 5, ऑल अमेनिटीज़ जो ज़रूरत के मुताबिक होती है वो इस घर के साथ प्रोवाइड की जा रही है। आप देख सकते हैं बेहतरीन किचन का आपको मैंने व्यू करवाया। एक इसकी खासियत बात यह है कि साथ में विंडो भी दी गई है और साथ में डोर भी दी गई है, जो कि बैक साइड गली में ओपन होती है, उसे विंडो वेंटिलेट करती है पूरी किचन को। ठीक है, अब चलते हैं इसके बेहतरीन रूम की तरफ। तो नाज़रीन एंटर करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट रूम की तरफ, तो तैयार हो जाएं इसका विज़िट करने के लिए। नाज़रीन आप देख सकते हैं न्यू डिज़ाइन की सीलिंग का डिज़ाइन आप देख रहे हैं इस रूम में किया गया सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए, उनकी विश के मुताबिक। आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि सेपरेट एरिया है वो पीछे वाला, बिल्कुल, लेकिन वो इस रूम का हिस्सा है और उसमें वॉलपेपर्स इंस्टॉल किया गया है ऐसे तरीके से, इतनी खूबसूरती लिहाज से ये बनाया गया है कि देखने वाला कहेगा कि लकड़ी का काम हुआ, लेकिन नहीं, बेसिकली ये वॉलपेपर्स का काम किया हुआ है। आप पास से मैं आपको दिखाऊं तो ये बेहतरीन क्वालिटी मटेरियल का काम है जो आपको देखने को मिल रहा है। दोनों विंडो दी गई है जो कि पीछे गली में ओपन होती है, पूरा रूम गर्मियों में भी ठंडा रहेगा इस विंडो की वजह से। ठीक है, आप पूरे रूम का आपको विजिट करवा रहा हूँ, आप देखें ये कैसे हो सकता है इसमें विंडो ना हो, वॉशरूम ना हो। तो नज़रें इसके अटैच वॉशरूम की तरफ, नाज़रीन तैयार हो जाए खूबसूरत लग्जरी वॉशरूम देखने के लिए। ये आपकी बेसिकली ख्वाहिश होती है कि सफाई निस्फ ईमान है, और ये चीज़ें घर की हर फर्द की ज़रूरत होती है। आप देखें सेपरेट एरिया है, शावर का अलग है, और जो है ना कमोड में आप यूज़ करने के लिए अलग है, बीच में विंडो वो मिरर लगाया गया है सेपरेटली, आप चाहें तो आगे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें मिरर यूज़ किए गए हैं, बेहतरीन नल्स वगैरह इसमें यूज़ किए गए हैं, शावर स्पेस इसमें अलग है, मार्बल यूज़ किए गए हैं वॉल पे भी, और बेसिकली देखें तो बेहतरीन क्वालिटी मटेरियल के जो है ना सिंक वगैरह, और साथ में बेसन है, और साथ में ये इलेक्ट्रिक मिरर यूज़ किया गया है। अभी देखें दीवारों पे भी मार्बल यूज़ किया है, जो कि क्वालिटी मटेरियल की चीज़ें हैं, सिर्फ हमारे क्लाइंट्स के लिए, रियल एस्टेट के चैनल की पहचान है ये। आप देख सकते हैं वॉशरूम के बीच में डबल कैबिनेट्स वाली स्लाइडिंग डोर की अलमारी प्रोवाइड की है, जिसमें आपकी पर्सनल चीज़ें सेव होगी जैसे आपके मुताबिक, जैसे आप चाहते हैं। ये देखें इसको खोलेंगे, आपके दो कैबिनेट्स कपल के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आप देख सकते हैं दो कैबिनेट्स एक एक यूज़ कर सकते हैं जैसे पर्सनल यूज़ करना चाहे। बेहतरीन वुड की जो ये स्लाइडिंग जो आप देख सकते हैं वो यूज़ की गई है, इसमें जो अलमारी है इसमें वुड यूज़ किए गए हैं, इसमें कार्डबोर्ड दे सकते हैं सॉफ्ट, और जो है ना बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये यूज़ किया गया। इस रूम के बाद चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। जैसे कि आपने देखा है इस रूम का खासियत बेहतरीन क्वालिटी के, ठीक है, और सेम है दूसरा वुड रूम बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे आप एंटर करेंगे सबसे पहले तो आप इसका वुड कारपेट देखेंगे जो कि वुड से बनाया गया, ठीक है, इसकी सीलिंग डिज़ाइन, इसके वॉल का डिज़ाइन, इसमें इसके फनूस, इसके जूमर्स वगैरह सब डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ तक कि इसके वॉशरूम का डिज़ाइन, इसमें अलमारी बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखें जो इसकी फ्लोर है वो वुड का फ्लोर तैयार किया गया सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि एक पर्सनल रूम, एक मास्टर बेड, बेसिकली ये मास्टर बेड का भी मास्टर बेड है, इतना ये ओपन एरिया खुला और कुशादा बनाया गया है। ठीक है, सिवाय इसकी अलमारी के मैं दिखाऊँ, इसकी अलमारियाँ दूसरे जो रूम था उससे डिफरेंट है, और वॉशरूम से बाहर बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं उसमें डबल कैबिनेट्स वाली थी वॉशरूम के बीच में स्लाइडिंग वाली, इसमें फोर कैबिनेट्स की अलमारियाँ हैं वॉशरूम के बिल्कुल सामने लेकिन वॉशरूम से बाहर। ठीक है, साथ विंडो दी गई है जो कि पीछे गली में ओपन होती है हर रूम में, ताकि आपका रूम वेंटिलेट होता रहे, और साथ में वॉशरूम अटैच वॉशरूम। ये एंटर करेंगे सबसे पहले तो आपके राइट साइड पे कमोड, और साथ में सीट भी दी गई है ताकि बुजुर्ग वगैरह होता है आपके, बेसिकली हर अमेनिटीज़ जो ज़रूरत रहती है ज़िंदगी है आपके घर में, बुजुर्ग भी होंगे उनके लिए भी हर एक चीज़ के मुताबिक, ज़रूरत के हत्या मुताबिक के मुताबिक ये चीज़ें बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं शावर की अलग से सेपरेट स्पेस है, आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं यहाँ से मिरर वगैरह लगाकर जैसे आपको बेहतर लगे, और बिल्कुल इस साइड पर वॉल दी की गई है आपके बेसन के साथ, और सामने आप देख सकते हैं लाइटनिंग मिरर यूज़ किया गया है। आप इसको मैं टच करके बताऊँ तो ये देखें रेड लाइट ऑफ हो जाएगी, इसमें दोबारा टच करूँ तो ये येलो कलर की शाइनिंग लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है लेडीज़ के मुताबिक, क्योंकि वॉशरूम में लाइटनिंग ना हो तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर आपको अपनी सफाई के लिए लाइटनिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए मिरर ज़रूरी है और लाइटनिंग मिरर। यहाँ से बाहर निकलेंगे आपको टीवी लाउंज का मैंने विज़िट करवा दिया, टीवी लाउंज का, लिविंग रूम का। आप चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ,
अच्छा ना, ग्राउंड फ्लोर से जब एंटर करेंगे तो ये स्पेस अलग है, आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं। ये गली है जो कि मैंने आपको बाहर से बताई थी, ठीक है। यहाँ से अब आप ऊपर भी जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। स्टेयर्स के नीचे एक वॉशरूम दिया गया है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊँ। ये स्टेयर्स हैं जो कि ऊपर जा रही हैं। इसका मार्बल देखें, ग्रेनाइट का मार्बल यूज़ किया गया, जो कि अच्छे तरीन मार्बलों में से एक मार्बल होता है, ठीक है। स्टील्स की जनरल रेलिंग वगैरह यूज़ की गई है स्टेयर्स में, ठीक है। अब ये देखें, दीवारों पे भी वॉलपेपर्स यूज़ किए गए जो स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं। चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो नाज़रीन, ये आप दोनों तरफ विंडो देख सकते हैं, एक बाइक टेरेस की तरफ और एक बाइक गली की तरफ। विंडो पूरी घर को वेंटिलेट कर रही है, एक बेहतरीन सोसाइटी के बीच में एक जगह हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक बेहतरीन प्राइस के बीच में। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं बेहतरीन घर की लोकेशन जानने के लिए और विज़िट करने के लिए। ये थोड़ी सी स्पेस है बाहर की, ठीक है। ये आपको मैं टेरेस दिखा रहा हूँ, ये अगर टेरेस ना होता एक रूम होता है जिसे आप एक्स्ट्रा रूम इसको बना सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बाहर का व्यू जो देख रहे हैं, बेहतरीन सोसाइटी के बीच में पुरसकून एरिया, सिक्योरिटी वाला माहौल है इस सोसाइटी में। वही आपके घर के पास मिनी मार्केट भी है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया इस घर की कितनी अप्रोच है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इस घर की खरीदो फरोख्त के लिए। चलते हैं इसके फर्स्ट रूम की तरफ। वापस आए हैं वहाँ से टेरेस से, तो आप देख सकते हैं एंटर हुए हैं इसके फर्स्ट रूम में। तो नाज़रीन, बेहतरीन कैलीग्राफी के साथ वॉलपेपर इंस्टॉल किया गया वॉल के ऊपर सिर्फ आपके लिए, और छत पे की गई है डबल रूफ लाइट की सीलिंग क्लासिक लिहाज से। ऐसा नहीं है कि ओवर है, कोई पिंक कर दिए, कोई येलो कर दिए, ना, सिर्फ क्लासिक और यूनिक चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि आपके माइंड की सेटिस्फेक्शन हो सके कि वाकई काम किया गया है। और इसके राइट साइड पर आप देख सकते हैं पूरी दीवार में यानी 6 कैबिनेट्स वाली अलमारी आपको प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ तक कि आपके फर्स्ट फ्लोर की जितने भी है आप इसमें स्पेस रख सकते हैं। आप इसमें एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं, अपने लगेज रख सकते हैं, अपने प्रेस हुए कपड़े रख सकते हैं, जैसे आप इसको यूज़ करना चाहें। ऑल ऑफ चीज़ें जो है ना आपको प्रोवाइड की जा रही हैं एक छोटी सी छत के नीचे, ठीक है, सिर्फ आपकी अमेनिटीज़ को देखते हुए। ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है धीरे स्टेट के चैनल की तरफ से। तो नाज़रीन, हमें लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, इसको शेयर लाजमी करें ताकि आपके ज़रिए से कोई और भी इसको देख सके और किसको पसंद आ सके, कोई आइडिया ले सके। ये छोटी छोटी सी नेकी होती हैं जो कि आप प्रोवाइड करते हैं थ्रू अपने ज़रिए से। अटैच्ड वॉशरूम में आपको इसका दिखाऊं तो दीवार पे देख सकते हैं आर्टिफिशियल ग्रास के साथ दीवार पे भी टाइल्स का काम किया गया है, छत पे सीलिंग की गई है। इसकी भी लाइट्स जो कि अभी ऑन ही है लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देखें ये आर्टिफिशियल ग्रास है, साथ में इसके नल वगैरह यूज़ किए गए हैं, साथ में मिरर यूज़ किया गया है सेपरेटली। ये ना हो कि आप उधर उसके साथ यहाँ पे भी जाना पानी वगैरह गिरे, इसके लिए मिरर यूज़ की है। आप देख सकते हैं इसमें भी लाइटिंग मिरर यूज़ की है एक न्यू डिज़ाइन का, ठीक है। आप देख सकते हैं बेहतरीन क्लासिक यूनिक चीज़ें जो कि आपको प्रोवाइड की जा रही है धीरे स्टेट के चैनल से। बेहतरीन वॉशरूम का पैकेज है जो कि हर रूम में, हर जो आप देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट है, हर रूम में एक दूसरे से डिफरेंट है। स्टाइल, स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, टाइल्स का, वॉलपेपर्स का, सीलिंग का एक दूसरे से डिफरेंट है। चलते हैं इसके टीवी लाउंज की तरफ। फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज, बेहतरीन खूबसूरत बादशाह वाला महल जैसा टीवी लाउंज आपको देखने को मिल रहा है। ये टीवी लाउंज बेसिकली एक मुगलों के कह लें कि उनका जो दरबार था उससे महल जो है ना सेंस के तौर पे बनाया गया। आप देख सकते हैं बेहतरीन झूमर लगाया गया है जिसकी लाइटनिंग से इसकी सीलिंग और खूबसूरत लग रही है, और उसके नीचे बिल्कुल यहाँ पर आपकी LCD प्लेस होगी जिसमें नीचे वुड का काम किया गया है। बेहतरीन चीज़ें हैं जो कि प्रोवाइड की जा रही हैं दीवार पर, फनूस और साथ में वॉलपेपर्स का काम किया गया है। आप देखें बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एक ओपन किचन, ठीक है। अब इसको सेपरेट करके बंद भी कर सकते हैं, विंडो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको प्रोवाइड किया आपको एक ओपन किचन। इसकी जो है ना पास से मैं इसको करीब से दिखाऊं तो इसकी फैसिलिटी ये है कि पीछे बड़ी सी विंडो दी गई है, इलेक्ट्रिक हुड और इलेक्ट्रिक चूल्हा प्रोवाइड किया जा रहा है आपको इसके बीच में, ताकि इसका टीवी लाउंज भी आपको गर्म ना हो, ठीक है। हर चीज़ का सेफ्टी का ख्याल आपका हमने पहले रखा है, क्योंकि मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता और वो अपनी मर्जी के मुताबिक करते रहते हैं, हर दीवारें बंद करते रहते हैं तो करके ना स्पेस छोटी हो जाती है। लेकिन हमने वो चीज़ें इंस्टॉल की हैं, वो चीज़ें बनाई हैं, LDC अप्रूव शुदा नक्शा है जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं धीरे स्टेट के चैनल पर। 10 मरले का डबल स्टोरी का फर्स्ट फ्लोर देख रहे हैं जिसमें आपको किचन का विजिट करवाया जा रहा है। अब इसके कैबिनेट्स का डिज़ाइन देख सकते हैं, सॉफ्ट टच में बेहतरीन सॉफ्ट हैंडल इसमें लगाए गए हैं, ठीक है। वो इसकी जो मार्बल्स है उसके जो टाइल्स का डिज़ाइन है वो मार्बल की इक्विवेलेंट है, ठीक है, और साथ में इसकी क्वालिटी भी उसके बराबर है। चलते हैं इसके रूम की तरफ। तो नाज़रीन, एंटर करते हैं इसके फर्स्ट रूम के अंदर। तो नाज़रीन, ये आप देखें, सबसे पहले तो आपको इसका 360 व्यू देखें, इसकी सीलिंग, इसके वॉल पेपर, इसके दीवार जो है ना आप देखें, बेहतरीन चीज़ें को प्रोवाइड की जा रही है। छोटी सी एक
क्लिक के नीचे, ठीक है। आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स के लिए, मालूमात के लिए। बेहतरीन लोकेशन के ऊपर ही घर प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। वॉलपेपर्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, एकदम न्यू है, ठीक है, न्यू है जो है ना, हम दिखा रहे हैं आपको। सेम है नीचे की तरह इसका वॉशरूम भी, इसके जो वॉशरूम है उसके बिल्कुल सामने हमारी बनाई गई है 4 कैबिनेट्स वाली, जिसमें आप अपनी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके बिल्कुल सामने अटैच वॉशरूम है जो कि आप देखें। इसकी जो दीवार पे है वो अंडरलाइट सीलिंग के साथ में बनाया गया है। इसकी जो शावर वाली स्पेस है वहाँ पे इस दफ़ा मिरर नहीं लगाया गया, स्टील्स की रेलिंग लगाई गई है ताकि वो सेपरेट स्पेस हो जाए। ये देखें, इसके वॉशरूम में मार्बल यूज़ किया गया है, बेहतरीन क्वालिटी मटीरियल का 0 मार्बल साइज़ है इसका, ठीक है। ये देखें, सेपरेट स्पेस है यहाँ पे, शावर की जगह है यहाँ पे, अपनी अब एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना लाइटनिंग के नीचे रख सकते हैं। ये आपने रूम का विजिट किया, फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट रूम का, सेकंड रूम का। चलते हैं माशाल्लाह से दूसरे रूम के बीच में। अब दूसरे रूम में एंटर करते साथ आप देखेंगे इसकी सीलिंग डिज़ाइन, इसके वॉलपेपर्स का डिज़ाइन, हर चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। बेसिकली हमारी एक स्कीम है ये कि हर जो रूम में रह रहा है ना उसे एक न्यू चीज़ चाहिए होती है, हर बंदे का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको एकदम न्यू चीज़ें और कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है, ताकि आपको पूरा पैकेज एक स्पेस के नीचे मिल सके, आपकी माइंड सेटिस्फैक्शन एक जगह पे हो सके, ठीक है। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें। ये अटैच वॉशरूम का विज़िट कर रहे हैं आप देखें, जैसे कि दूसरे वॉशरूम में डिफरेंट चीज़ें अटैच के साथ हैं, इसमें भी डिफरेंट है। इसकी अनरैपिंग वगैरह आपने आके खुद करनी है, हमारा काम है आपको प्रोवाइड करना एक स्पेस के नीचे एक चीज़, जो कि हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, आपने हमें सपोर्ट करनी है। ये आप देख सकते हैं इसके बीच में स्लाइडिंग वाली अलमारी लगाई गई है, लेकिन इसका जो स्टाइल है सेम है नीचे की तरह है, लेकिन इसमें वुड डिफरेंट यूज़ किया गया है, इसका कलर दूसरा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन दूसरा है। आप देख सकते हैं बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है आपको एक स्पेस के नीचे। पूरे रूम का आपने विज़िट किया है नाज़रीन, आप हमसे सोलर सिस्टम भी लगवा सकते हैं, इन्वर्टर वगैरह भी हासिल कर सकते हैं। रूम के बाद ये छोटी स्पेस दी गई है, जिसमें आप स्टोर रूम बना सकते हैं, एक्स्ट्रा लाइब्रेरी रूम बना सकते हैं, ऑफिस रूम, मीटिंग रूम बना सकते हैं, जैसे आप इसको यूज़ करना चाहें। बेबी का सिटिंग रूम बना सकते हैं, उसका स्टडी टेबल टाइम रूम बना सकते हैं। अब चलते हैं ऊपर छत की तरफ, आप स्टेयर्स से ऊपर जाएंगे तो मार्बल और साइड में आपको रेलिंग देखने को मिलेगी। छत पे जैसे ऊपर जाएंगे सब फर्स्ट स्टेप से आपको आइडिया हो जाएगा, छत पे भी मार्बल यूज़ किया गया है, छोटी सी स्पेस है यहाँ पे, जैसे पंखे वगैरह इन्होंने पहले रखे हुए हैं। अब छत पे आएंगे तो बेहतरीन आप देख सकते हैं, छत पे भी एक रूम दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये छत पे भी टवीरा का और बादल मार्बल इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। आप छत पे स्पेस देख सकते हैं, चारों तरफ बेहतरीन घर, विलाज, मैंशन वगैरह बनाए गए हैं, बेहतरीन लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। कोई जस्टिस, कोई वकील्स, कोई लॉयर्स, कोई बैरिस्टर्स वगैरह, कोई बिजनेसमैन, बेहतरीन सोसाइटी के बीच में घर प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। 10 मरले का डबल स्टोरी ब्रांड न्यू घर, या उसकी छत वगैरह देख रहे हैं, आपने पूरे घर का विज़िट किया है तो नाज़रीन हमसे रब्ता करें। इस घर का विज़िट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स से आप बाखबर रह सकें, ठीक है। पूरे घर का विज़िट करें, मज़ीद मालूमात के लिए हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं आप, सोलर इन्वर्टर वगैरह लगवाने के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें, थैंक यू।